स्टूडेंट्स वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 9वीं का राजनीति विज्ञान पाठ पहला विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां। भारत में या पूरे देश में विश्व युद्ध के बाद कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हुई विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने परस्परावलंबन, विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से राष्ट्र सहभागी हुए थे, द्वितीय विश्व में कौन कौन से राष्ट्र सहभागी हुए थे और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स शीत युद्ध यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरह से युद्ध हुआ जिसके अंदर सैनिकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर विजयी कौन हुआ था, रूस, और द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी कौन हुआ था, अमेरिका। तो दो मजबूत देश के बीच में क्या हो गया था, युद्ध होने की संभावना निर्माण हो गई थी। दो मजबूत मतलब रूस और अमेरिका के बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी कि दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार थे, ठीक है। उनका जो आपसी संबंध था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और इस तरह की कालावधि 40 से 50 वर्षों तक चली थी, ठीक है स्टूडेंट, जिसकी वजह से अमेरिका और रूस, सोवियत रूस जिसको कहा जाता है, सोवियत संघ कहा जाता है, पहले सोवियत संघ कहा जाता है, बाद में हो गया रूस, जब सोवियत संघ का बंटवारा हो गया शीत युद्ध के बाद, ठीक है, शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का बंटवारा हो गया, अब उसको रूस कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको मालूम होना चाहिए 40 से 50 वर्षों तक चला और इसके अंदर जो अमेरिका था उसने भी अपने कुछ संगठन तैयार किए और जो रूस था, सोवियत संघ, उसने भी अपने संगठन तैयार किए थे, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे के विरोध में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और शीत युद्ध के कारण कौन कौन सी स्थिति निर्माण हुई थी देश में और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ और शीत युद्ध के बाद विश्व कैसा हुआ और शीत युद्ध का की वजह से जो वैश्वीकरण हुआ उसका क्या मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज टॉपिक क्लियर होगा। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शीत युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका और सोवियत रसिया युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर आप लोग देखा होगा मित्र राष्ट्र में रूस और अमेरिका दोनों एक साथ लड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, जर्मन और जापान के खिलाफ। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, वैसे अमेरिका और सोवियत रसिया ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि ये दोनों मजबूत थे। तो उसको लगता था कि मैं एकदम मजबूत राष्ट्र हूँ, दूसरे वाले को लगता था मैं मजबूत राष्ट्र हूँ। अमेरिका को लगता था शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, रूस को लगता सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। तो इसकी वजह से उनके अंदर आपसी मतभेद शुरू हुआ और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिबद्धता ने ले ली, जलन या बोल सकते हैं हम लोग द्रोष या बोलते बदले की भावना, प्रतिबद्धता की विश्व राजनीति में 40-50 वर्षों तक चलती रही। इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, कभी सैनिकी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की ज्वाला कभी कभी धधक बनती थी, मतलब युद्ध करने के लिए लोग कभी कभी तैयार हो जाते थे। जैसे अमेरिका परमाणु बम बना लिया था द्वितीय विश्व युद्ध तक, तो उसी का मत देने के लिए रशिया ने भी क्या किया था, परमाणु बम अलग अलग विज्ञान और तकनीकी का विकास करके अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर दी थी युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध की ज्वाला कभी कभी धधक सकेगी, इतना तनाव उनके संबंधों में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीत युद्ध में के रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष युद्ध तो कभी किए नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति उस समय तैयार हो गई थी कि ऐसा लगता था कि युद्ध दोनों के बीच में हो जाएगा। इस कालावधि में अमेरिका तो महासत्ता थी, सोवियत यूनियन की निर्मिति कर अपनी सैन्य समर्थन बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया। आपको मालूम होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सबसे बड़ी महासत्ता तो थी, लेकिन उसको मुकाबला देने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए जो सोवियत रशिया है, ठीक है ना, इसने भी अपनी जो आणविक प्रक्षेपण शास्त्र है इसकी भी निर्मिति करके सैन्य शक्ति का समर्थन बढ़ा दिया ताकि वह भी क्या बन सके, महासत्ता बन सके। और इसी वजह से महासत्ता की दौड़ में कि रूस महासत्ता बनेगा कि अमेरिका महासत्ता बनेगा, इसकी ही दौड़ में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। अमेरिका तथा सोवियत संघ, ठीक है ना,
इन दोनों महासत्ताओं का संघर्ष, सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच भेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति, ये क्यों हो गई थी? क्योंकि उनको संघर्ष करना था, उनको सत्ता की स्पर्धा चाहिए थी, उनकी विचार प्रणाली अलग थी, वो एक दूसरे को शह या मात देना चाहते, वो एक दूसरे को हराना चाहते, अमेरिका चाहता था मैं रूस को हरा दूं, रूस चाहता था मैं अमेरिका को हरा दूं, ये सभी कारण थे शीत युद्ध होने के। समझ में आ रहा है? इन सभी कारणों से ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो क्या कारण थे शीत युद्ध होने का? तो आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महासत्ताएं थी, दोनों बहुत शक्तिशाली थी। क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें अमेरिका शक्तिशाली तो था ही, लेकिन उसके तुलना में जो सोवियत रूस है वह भी चाहता था कि मैं शक्तिशाली राष्ट्र बनूं, इसलिए उसने अमेरिका के खिलाफ आणविक प्रक्षेपण शास्त्र और सैनिकी व्यवस्था जो थी उसने मजबूत कर ली थी, और साथ ही साथ सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली अलग होने की वजह से वो एक दूसरे को मात देना चाहते थे, इसलिए शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। स्टूडेंट समझ में आ गया शीत युद्ध क्यों हुआ था? पक्का समझा शीत युद्ध क्यों हुआ था? और शीत युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको समझ में आना चाहिए शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ, या सोवियत रूस, रशिया भी बोल सकते हैं, या रूस भी बोल सकते हैं आप लोग। सोवियत संघ कब नाम था? जब देशों का बंटवारा नहीं हुआ था तब रूस का नाम सोवियत संघ था। समझ में आ रहा है? अब फिर उसके बाद शीत युद्ध के बाद उसका बंटवारा हो गया और आज उसी को हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो कारण समझ लिया कि शीत युद्ध हुआ क्यों था। अब समझ लेते हैं कि शीत युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या क्या हुआ। ठीक है, कुछ यहाँ पर परिणाम लोग पढ़ेंगे, जैसे सैन्य संगठनों का निर्माण किया गया। ठीक है, सैन्य संगठन बनाए गए, रशिया भी अपना सैनिक व्यवस्था बढ़ा रहा था और अमेरिका भी अपनी सैनिक व्यवस्था बढ़ा रही थी, और विश्व का ध्रुवीकरण हुआ, विश्व दो भागों में बट गया, एक हिस्सा जो अमेरिका का समर्थन कर रहा था और दूसरा हिस्सा जो रशिया का समर्थन कर रहा था। तो ध्रुवीकरण हो गया, सशस्त्र स्पर्धा, शस्त्रों की स्पर्धा शुरू हो गई उनके बीच में, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हो गया, गुट निरपेक्षतावाद का आंदोलन और गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन, ऐसी बहुत सारी कारणों के परिणामों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं के परिणाम। जब शीत युद्ध हुआ तो उसे परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम हुआ सैन्य संगठनों का निर्माण। दोनों महासत्ताएं अमेरिका और रूस, दोनों महासत्ताएं सैन्य संगठन बढ़ाने में जुट गई कि किसकी सैन्य शक्ति मजबूत रहेगी वो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। ठीक है, पहले देश का विकास का मतलब था, पहले के जब टाइम में मतलब किसी देश की तरक्की या किसी देश का विकास यह निर्भर करता था उस देश की सैनिक व्यवस्था पर। अगर उस देश की सैनिक व्यवस्था बहुत मजबूत है मतलब वह देश ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा पहले माना जाता था। शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया, उनमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली। ठीक बात है, शीत युद्ध के कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठन की स्थापना किया और उस संगठन में सम्मिलित होने वाले जितने भी राष्ट्र रहेंगे, ठीक है ना, जो अमेरिका के साथ सम्मिलित हो जाएंगे और जो रशिया के साथ सम्मिलित हो जाएंगे, तो उनकी जिम्मेदारी इन राष्ट्रों ने ले ली। जैसे नाटो पहला संगठन बनाया गया था अमेरिका द्वारा, जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको हिंदी में कहा जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था, सैन्य संगठन था, ये सैन्य संगठन था। इसके अंदर जो जो राष्ट्र सहभागी होंगे नाटो में, जो जो राष्ट्र सहभागी होंगे उन सभी राष्ट्रों को अमेरिका क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, अमेरिका उनकी जवाबदारी लेगा, अमेरिका उनको सहायता देगा। ठीक है, आज के काल में इस सदस्य में नाटो में टोटल 30 सदस्य हो गए, जिसके अंदर भारत का, भारत तो नहीं है लेकिन नाटो जैसी स्थिति भारत की भी हो गई है, मतलब भारत को भी उसके अंदर सदस्य ऐसा गिना जाने लगा है। ठीक, सही बात है यहाँ तक। जब ये नाटो संगठन तैयार किया गया था तो उस समय केवल 12 सदस्य थे, इसके अंदर कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 4 अप्रैल 1949 को नाटो इस संगठन की स्थापना अमेरिका द्वारा की गई थी, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 12 राष्ट्र शामिल हुए और आज इसके अंदर सदस्यों की संख्या 30 हो चुकी है। समझ में आ रहा है? नाटो का मेन उद्देश्य था शांति से विवाद हल करना। अगर दो देशों के बीच में विवाद हो रहा है तो उन विवादों को शांति से हल करना, अगर वो विवादों का हल शांति से नहीं होता है तो सैन्य का प्रयोग किया जाएगा, ये नाटो का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, नाटो किसके द्वारा बनाई गई संगठन थी? यह अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन था। और दूसरी तरफ जो दूसरी महासत्ता थी कौन? सोवियत संघ, उसने भी एक संगठन बना दिया था जिसका नाम था वर्साय समझौता। क्या नाम था स्टूडेंट्स? वर्साय समझौता या तो वर्साय संधि। यह किसके खिलाफ बनाई गई थी? यह नाटो के खिलाफ बनाई गई थी। किसके खिलाफ बनाई गई थी? नाटो। अगर नाटो ने कुछ भी एक्शन लिया इनके खिलाफ, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ।
या उस वर्षाय संधि में शामिल होने वाले राष्ट्रों के खिलाफ, तो ये क्या करेंगे, उनको जवाब देंगे। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने इसकी रचना की थी सन 1955 में। कब की थी स्टूडेंट, सन 1955 में वर्षाय समझौता हुआ सोवियत संघ द्वारा, और इसके अंदर टोटल 10 से 12 सदस्य भी हैं। जैसे इसके अंदर सोवियत संघ है, पोलैंड है, जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया, ऐसे कुछ राष्ट्र हैं जो वर्षाय संधि में शामिल हुए। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स? तो पहला आपको समझा होगा सैन्य संगठनों का निर्माण। इसके अंदर मैंने बताया शीत युद्ध की कालावधि में दो महासत्ताएं थी और दोनों महासत्ताओं ने अलग अलग ग्रुप बनाया। पहले वाले ने किसने, अमेरिका ने नाटो बनाया और रूस ने, सोवियत संघ ने क्या बनाया, वर्षाय की संधि बनाई थी। बराबर यहां तक स्टूडेंट्स? तो चलिए अब अगला परिणाम देख लेते हैं शीत युद्ध। अगला परिणाम है विश्व का ध्रुवीकरण, द्विध्रुवीकरण। द्विध्रुवीकरण मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विश्व दो हिस्सों में बढ़ गया, क्योंकि दो महाशक्तियां थे अमेरिका और रूस, तो दो विश्व जो था वो दो शक्तियों के रूप में बढ़ गया। जो राष्ट्र अमेरिका का समर्थन कर रहे थे वो नाटो में चले गए और जो राष्ट्र रशिया का समर्थन कर रहे थे वो वर्षाय की संधि में चले गए। इस तरह देश का, विश्व का दो गुटों में क्या हो गया स्टूडेंट, बंटवारा हो गया था। शीत युद्ध काल में विश्व अधिकांश देश दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हुए। शीत युद्ध का काल मतलब 1949 से हम लोग बोल सकते हैं 1948 से लेकर 1999 तक की कालावधि, इस 40 से 50 साल में विश्व जो था वो दो महासत्ताओं के गुटों में क्या हो गया, शामिल हो गया। राष्ट्रों के इस तरह दो गुटों में विभाजन होना, और राष्ट्र क्या हो गए, दो गुटों में क्या हो गए, विभाजन हो गए, उसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीकरण, द्विध्रुवीकरण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ा और तनाव का क्षेत्र फैला, क्योंकि दो अलग अलग गुट थे तो दोनों में तनाव का क्षेत्र बढ़ गया, लड़ाई झगड़े की संभावना ज्यादा उत्पन्न हो गई। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, विश्व का द्विध्रुवीकरण समझा है? चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स सशस्त्र स्पर्धा। इसका मतलब क्या होता है कि दो महासत्ताएं एक दूसरे के प्रति सैनिक का उपयोग करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती थी। समझ में आ रहा है? सैनिक का उपयोग करके, परमाणु बमों का उपयोग करके वे दिखाना चाहती थी वो किस तरह से अमेरिका से बड़ा है और वो किस तरह से रूस से बड़ा है। ठीक है, एक दूसरे को सह मतलब हरा देना और मात देने के लिए महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा में शत्रुओं का निर्माण करने लगे, शस्त्रों का निर्माण करने लगे। जो महासत्ताएं थी एक दूसरे को मात देने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए, वो शस्त्रों का निर्माण ज्यादा करने लगे। गोला, बारूद, बम, बंदूक, ये सारी चीजों का इस्तेमाल वो ज्यादा करने लगे। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपण शास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। किसकी प्रक्षेपण शास्त्र ज्यादा मजबूत रहेगा, किसकी सैनिक व्यवस्था ज्यादा अच्छी रहेगी, किसकी शस्त्रों की संख्या ज्यादा रहेगी, किंतु इन प्रक्षेपण शास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ गई। लेकिन ये तो दोनों जो महासत्ताएं थी, ये दोनों महासत्ताएं एक दूसरे को मात देने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए ये सारा काम करी थी, लेकिन उससे क्या हो रहा था, जो वैश्विक शांति थी, पूरे विश्व में शांति जो थी वो क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपण शास्त्र के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण का प्रयास इसी समय हुआ। जब दोनों देशों को लग गया, दोनों महासत्ताओं को लगा कि हमारी वजह देश की शांति भंग हो रही है, तो दोनों ने क्या किया, प्रक्षेपण शास्त्र का उपयोग कम कर दिया और निरस्त्रीकरण का उपयोग किया, मतलब उन्होंने शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को? तो इस तरह से हमने पढ़ा शीत युद्ध के परिणाम, सैन्य संगठनों का निर्माण, उसके बाद विश्व का ध्रुवीकरण हुआ, फिर सशस्त्र स्पर्धा। अब अगला परिणाम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला परिणाम है प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण कैसे हुआ स्टूडेंट, जब महासत्ताएं की होड़ में जो विकासशील राष्ट्र थे वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठन बनाने लग गए। मतलब उसके अंदर जो राष्ट्र स्वतंत्र थे वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अपना अपना क्या बनाने लग गए, एक ग्रुप बनाने लग गए। ठीक है ना, देखिए आगे, महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। जो विकासशील देश थे, मतलब जो विकास कर रहे थे, ठीक है ना, देखो स्टूडेंट तीन प्रकार के देश होते हैं, एक विकसित देश होता है, एक विकासशील देश होता है और एक अविकसित देश होता है। जिसने विकास कर लिया है पूरी तरह, जैसे अमेरिका, वो विकसित देश है। जो विकास कर रहा है वो विकासशील देश है, जैसे इंडिया विकासशील है। जिसने विकास किया ही नहीं अभी तक, जैसे भूटान, बांग्लादेश, इसने अभी तक ज्यादा विकास नहीं किया, तो अविकसित देशों में ये लोग आ जाते हैं। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था, उनको लगता था आर्थिक विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी तुलना में, लड़ाई झगड़ा करने की तुलना में आर्थिक विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्रदेशी संगठनों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा।
यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया। जो यूरोप वाले थे उन्होंने क्या किया, यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया, यूरोपीय आर्थिक संघ। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई ने एशियान संगठन का निर्माण किया। तो देखो दो संगठन का निर्माण हुआ यहां पर, पहला किसने निर्माण किया, यूरोप के देश, जो यूरोप के देश थे उन्होंने यूरोपीय आर्थिक संघ, यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया। ठीक है, दूसरा देश कौन, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी जो एशिया थे उसके अंदर जितने देश थे वो एशियान नामक संगठन की स्थापना किया था, समझा, जिसके अंदर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कुछ राष्ट्र आते दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, इन्होंने एशियान नामक संगठन की स्थापना की थी। इनको लगता था कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि हम लोग अपना आर्थिक विकास ज्यादा महत्व रहेगा, इसलिए प्रादेशिक संगठनों का क्या होगा, निर्माण हुआ शीत युद्ध के परिणाम में, शीत युद्ध होने के बाद। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं गुट निरपेक्षतावाद। स्टूडेंट गुट निरपेक्षतावाद क्या होता है कि आपको मालूम है शीत युद्ध जब शुरुआत हुआ तो उस समय दो ग्रुप थे, ठीक है ना, एक अमेरिका का और दूसरा रूस का, तो विश्व का क्या हो गया था, द्विध्रुवीकरण हो गया था। लेकिन तभी भी उस समय भी कुछ ऐसे देश थे जो किसी भी देश में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, न तो अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, ना ही वो रशिया के साथ जाना चाहते थे। तो उनको क्या कहा जाता है, गुट निरपेक्षतावाद, मतलब वो किसी भी गुट को सहयोग नहीं देंगे, किसी भी गुट को सहयोग नहीं देंगे। गुट मतलब यहाँ पर संगठन की बात हो रही है, यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे राष्ट्र जो न तो अमेरिका का समर्थन करेंगे, न तो नाटो में जाएंगे, न तो वर्सा की संधि में जाएंगे, तो उन राष्ट्रों को गुट निरपेक्षतावाद की नीति उन्होंने अपनाई थी। शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उस कालावधि में एक और विश्व का ध्रुवीकरण हो रहा था, पर उसी के साथ साथ कुछ देश को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था कि, लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जिनको महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था, ठीक है। ऐसे राष्ट्र महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की। ऐसे राष्ट्रों ने क्या सोचा, सोचा कि महासत्ताओं से हम लोग क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, और इसको क्या कहा जाता है, गुट निरपेक्षवाद कहते हैं। गुट निरपेक्षवाद शीत युद्ध काल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये शीत युद्ध काल का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने वो दोनों महाशक्तियों का समर्थन नहीं किया, जिसके अंदर भारत सबसे अग्रणी है, और भारत ने क्या किया था, उनका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के, प्रधानमंत्री जब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने उनका समर्थन किया था, और भारत ने इसके आगे बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और आज भी गुट निरपेक्षवाद को आज भी माना जाता है शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं गुट निरपेक्षतावाद, ठीक है स्टूडेंट्स। चूंकि गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन क्या हो जाएगा, कि यह आंदोलन क्या दर्शाएगा कि इनमें से ऐसे दो देश जो दोनों महाशक्तियों का सपोर्ट नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे, तो उनका आंदोलन शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया अफ्रीका महाद्वीप स्वतंत्र हुए, ठीक बात है। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत सारे एशिया में देश थे या अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर अंग्रेजों का क्या था, कब्जा था, तो वो लोग क्या हो गए थे, आजाद हो चुके थे, देशों में गुट निरपेक्षतावाद समर्थन दिया, क्योंकि जब आजाद हो गए तो वे नहीं चाहते थे कि हम किसी लड़ाई झगड़े में वापस से पड़े, तो उनका मानना था कि हम लोग अलग रहेंगे, अलग से अपना आर्थिक विकास करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, इजिप्त के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकारनो और घाना के राष्ट्र अध्यक्ष क्वामे नकरुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये जो गुट निरपेक्षतावाद है, यह एशिया और अफ्रीका के कुछ महाद्वीप में जो देश थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गए स्टूडेंट्स, स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। अब ये स्वतंत्र हो गए ना, तो जब शीत युद्ध शुरू हुआ किसके बीच में, अमेरिका और रशिया के बीच में, तो ये नहीं चाहते थे कि अब फिर से हम लोग किसी ग्रुप में सम्मिलित हों और फिर से लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए ये लोग क्या करने लगे कि ये किसी भी महाशक्ति का समर्थन नहीं देना चाहते थे। ऐसे कुछ राष्ट्र थे जैसे मैंने बताया, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, इजिप्त के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकारनो और घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नकरुमा, ये कुछ ऐसे लोग थे जो गुट निरपेक्षतावाद का आंदोलन शुरू किए थे, और उसके अंदर भारत सबसे आगे था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका नेतृत्व किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन। अब गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन जब हुआ तो उसका महत्व क्या था, ठीक है ना, वो क्यों किया गया, क्या उद्देश्य क्या था इसका, सारी ये मूल्यांकन हम लोग करने वाले, गुट निरपेक्षतावाद होने से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। वैसे देखा जाए नुकसान तो कुछ नहीं हुआ,
फायदा बहुत हुआ था, तो मूल्यांकन हमको देखना है। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, वंशवाद का विरोध किया गया, कि साम्राज्यवाद नहीं किया गया। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सीमा पर लद्दाख में चीन क्या कर रहा है, साम्राज्यवाद कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो कश्मीर का कुछ इलाका है वो उसके अधिकार में हो जाए, और साथ ही साथ आपको मालूम है उत्तराखंड जो है वो भी चाहता है कि वो चीन में चला जाए। तो इस तरह की भावना रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। ऐसे लोग क्या कहते हैं, दूसरे देशों की जमीन को अपना करार करने की कोशिश करते हैं। वंशवाद का विरोध किया गया, वंशवाद जैसे एक ही वंश के लोग ज्यादा समय तक किसी भी चीज में कार्यरत नहीं रहेंगे, तो इनका विरोध किया गया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने का प्रोत्साहन दिया। जो गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन था उसका मेन मकसद क्या था, कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो निपटारा है वह शांतिपूर्ण तरीके से, शांति से हो, ठीक है ना, बिना लड़ाई झगड़ा किए हो जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद के काल में भी इस आंदोलन को भारत ने समर्थन दिया, मतलब शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी भारत ने गुट निरपेक्षतावादी जो आंदोलन था उसका बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, ठीक है ना, शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इस आंदोलन का जो महत्व था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए, साम्राज्यवाद, वंशवाद और जो जातिवाद है उनको क्या किया जाए, नष्ट किया जाए, और जितना भी चीज है वे विश्व शांति होनी चाहिए, सब लोग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, मतलब शस्त्रों का उपयोग नहीं करना हमको, ये सारी बातें थी जो गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन के मुख्य बातों के रूप में जानी जाती है। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन मानवतावाद, वैश्विक शांति, समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित था। मानवतावाद मतलब मानव की सेवा करना, साथ ही साथ शांति स्थापित करना विश्व में, समानता सब लोग एक समान है, स्त्री पुरुष सब क्या है, समान है, इसका मेन मकसद था, किसका, गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का, ठीक है स्टूडेंट्स। शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया, मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या आएंगी उनका निपटारा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, ऐसा बताया गया था किसमें, गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं, त्रिकरण मानवाधिकारों का संवर्धन संबंध में अग्रपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा अविकसित राष्ट्रों की समस्याओं को दृढ़ता के साथ रखी। तो इन्होंने क्या बोला कि निरस्त्रीकरण होना चाहिए, मतलब शस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मानवाधिकार, जो मानव का अधिकार उसका संरक्षण होना चाहिए, और जो गरीब देश है और जो अविकसित देश है उनकी समस्याओं को उठाकर उनको हल करना चाहिए, ऐसा गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन में हुआ था। आंदोलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था NIEO की मांग की। संक्षेप में कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। अगर हम छोटे में देखें तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन जो गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन था वो अभी भी चल रहा था, ठीक है ना। आगे, निरपेक्षतावादी आंदोलन ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था, उसने अविकसित राष्ट्रों को एकत्र लाने के लिए प्रेरित किया। जितने भी अविकसित राष्ट्र थे जिन्होंने विकास नहीं किया था अभी तक, उनको एकत्र लाना, उनको एक साथ जोड़ने का काम किया था। इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में अनेक वैचारिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए, मतलब वैचारिक परिवर्तन लाए और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाए, ठीक है ना। इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास दिया। इन राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, पूरे विश्व की राजनीति में एक सम्मान के साथ हम लोग खड़े हो पाए, ऐसा इस आंदोलन से सिद्ध हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। वर्ष 1945 से वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली रहा, शीत युद्ध बाद में समाप्त हो गया। 1945 से जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत द्वितीय शीत युद्ध शुरू हो गया था अमेरिका और रशिया के बीच में, तो उसका क्या होगा, समाप्त हो गया। शीत युद्ध का अंत पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। अगर किसी ने पूछा कि 19वीं शताब्दी में, जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है स्टूडेंट्स, 21वीं शताब्दी चल रही है, अगर किसी ने पूछा कि 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ी घटना क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो वो घटना के अंदर शीत युद्ध का नाम आएगा, ठीक है। अनेक बातें जिम्मेदार थी, जैसे सोवियत रशिया ने आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार की। उदारीकरण मतलब उसने सबके लिए दरवाजे खोल दिए, कोई भी उसके साथ रह सकता है और वह सबके साथ अच्छे से
पेश आने लग गया। देश की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण को शिथिल किया। जो भी रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो भी प्रतिबंध लगाया था दूसरे देशों के लिए कि दूसरे देश यहां पर क्या नहीं कर सकते क्या कर सकते, वो सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और ऐसे नियम लागू किया ताकि पूरे विश्व के लोग रशिया में जाकर स्वतंत्र रूप से रह सके, व्यापार कर सके, इस तरह की उन्हें छूट दी गई थी। ठीक है, अब आगे तत्कालीन अध्यक्ष मतलब उस समय जो अध्यक्ष थे मिखाइल गोर्चाचेव, पेरेस्त्रिका पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलापन नीति को अमल में लाया। पुनर्रचना की उन्होंने पूरे रशिया की और उन्होंने बोला कि पूरा रशिया क्या खुलापन है, पूरा रशिया अब सबके लिए क्या हो गया, खुल गया, कोई भी जाके वहां पर व्यापार बाजार कर सकता है। इन नीतियों के कारण माध्यमों से नियंत्रण कम हुआ, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, अर्थात इस क्षेत्र में पुनर्रचना की गई। इससे लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिला, लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिला, लोग वहां पर जाने लगे, व्यवहार करने लगे, जिससे रशिया की तरक्की और भी ज्यादा हुई। ठीक है, पूर्वी यूरोप के सोवियत रशिया के प्रभावशाली देशों द्वारा पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के कारण वहाँ की शासन संस्थाएं बदल गई। पहले उनका क्या था, पूंजीवादी लोगों को अपनाते थे, लेकिन अब पूंजीवादी अपनाने वाले लोग भी क्या हो गए, बदल गए थे। सोवियत रशिया का विघटन हुआ, फलत अभी सोवियत संघ जो था उसका क्या होगा, विघटन हो गया, अलग अलग देश अलग हो गए, तो बाद में उनका बंटवारा हो गया और अनेक राष्ट्र निर्माण हुए। रूस सोवियत संघ का बड़ा देश था, रूस जो था वो सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश था, जो बाद में क्या हो गया, अलग हो गया, अब वो रूस है। सही बात है, अब आगे देखते हैं। ईश्वर से यहाँ पर लिखा है ऐसा क्यों, नाटो संगठन आज भी अस्तित्व में है, क्योंकि नाटो संगठन जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा कब बनाया गया था, 1949 में 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। ठीक है ना, लेकिन आज भी वो अस्तित्व में है। उसका स्वरूप सैनिक ही नहीं, इस संगठन में कितने देश हैं, इस संगठन में आज 30 देश है। कितने देश है स्टूडेंट्स, 30। आज इसका मेन मकसद क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक है, सैनिकों का बिना उपयोग किए, लड़ाई झगड़ा बिना किए विश्व में शांति बनाए रखना। और आज इस संगठन में 30 सदस्य हो गए हैं, जो वर्साय की संधि में से बहुत सारे सदस्य निकलकर इसके अंदर आ गए हैं। वर्षा की संधि में जो पहले सदस्य थे वो बहुत सारे निकलकर इसके अंदर आ गए हैं, और पिछले कुछ महीनों पहले भारत को भी इसके अंदर सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। और इनके जैसी जो नाटो के अंदर जो देश जिनको सम्मान मिलता है उतना सम्मान अब भारत को भी मिलता है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। G20 नाम का एक ग्रुप है जिसके अंदर भारत को भी अभी शामिल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। शब्द सुझाए मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई लाइन रहेगी और वो लाइन आपसे पूछेगा और आपको बोलेगा कि इसके लिए कोई शब्द बताइए। एक ही महासत्ता होती है तब उस पर जब अनेक देश निर्भर होते हैं तथा तब उस पर अनेक देश निर्भर होते हैं तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हम एक ध्रुवीकरण व्यवस्था कहते हैं। जब एक ही महासत्ता होती है और सारे देश क्या होते हैं उसके ऊपर निर्भर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ध्रुवीकरण, क्योंकि एक ही देश है, एक ही महासत्ता है और सारे देश उसके ऊपर निर्भर है। समझ में आ रहा है, जब दो महासत्ता जैसे यहाँ पर सोवियत संघ और रूस, तो उस समय दो महासत्ताएं थी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुवीकरण देश का हुआ था ना, विश्व का द्विध्रुवीकरण हुआ था। लेकिन जब अनेक देश महासत्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उभरते हैं, लेकिन अभी तो क्या हो गया, अभी अगर हम लोग देखें तो पूरे विश्व में बहुत सारी महासत्ताएं, जापान भी एक महासत्ता के रूप में उभर रहा है, अमेरिका तो वही है, रूस है, साथ ही साथ चाइना भी अभी आ रहा है। तो जब बहुत सारी महासत्ताएं आ जाएंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस व्यवस्था को हम लोग को बोलेंगे बहु ध्रुवीकरण। क्या कहेंगे, बहु ध्रुवीकरण कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी महासत्ताएं उभर कर आती है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर विश्व, शीत युद्ध के बाद विश्व कैसा हुआ, सोवियत रशिया का विघटन हुआ, आपको मालूम है शीत युद्ध में सोवियत रशिया क्या हो गया, विघटन हो गया, और उससे रूस और अलग अलग देश क्या हो गए, अलग हो गए, और उसने उदार नीति अपना ली और सभी देशों के लिए अपने जो भी कानून थे, अर्थव्यवस्था के जितनी भी बंदिशें थी सारी सब देशों के लिए खोल दी, उसको समाप्त हुआ। किसी समय महासत्ता रहे इस सोवियत रशिया का विघटन से विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा। आज वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ी जो महासत्ता है, सबसे ताकतवर अगर कोई देश आज है तो कौन है, अमेरिका है। राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हुआ। दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार शुरू हो गया और आर्थिक संबंध हमारे बन गए रशिया के साथ। पूंजी, श्रम, बाजार, सूचना, इनका विश्व भर में प्रसार हुआ। लोगों के विचारों और गांव का भी मुक्त संचार होने लगा। पूंजी का, श्रम का, बाजार का, सूचना का पूरे देश में क्या होना,
प्रचार होने लग गया और इसके साथ ही साथ मानव ने भी अपना विकास करना शुरू किया। सभी राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंधों को प्रधानता दी। व्यापारिक संबंध मतलब व्यापार किया जाए, बिजनेस किया जाए, और बिजनेस के माध्यम से प्रधानता दी गई, देने का निश्चय किया। इससे अन्य राष्ट्रों की सहायता करने की कल्पना पिछड़ गई। ठीक है, अब इसके बदले आर्थिक संबंध स्थापित करने का प्रयास शुरू हो गया। पहले क्या होता था, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मदद करता था, लेकिन अब ये धारणा बंद हो गई है। अब क्या धारणा है कि हर एक राष्ट्र क्या करेगा, व्यापारिक संबंधों को क्या करेगा, मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात पहले अपने विरोधी राष्ट्र को शत्रु राष्ट्र कहते थे, पहले विरोधी राष्ट्र को क्या कहा जाता, शत्रु राष्ट्र। लेकिन आज उस शत्रु राष्ट्र नहीं कहा जाता है, आज उसको कहा जाता है स्पर्धक राष्ट्र। स्पर्धक राष्ट्र मतलब जो स्पर्धा में है, जो कंपटीशन में, कंपटीटिव राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शत्रु राष्ट्र आज नहीं कहा जाता है क्योंकि उनके बीच में व्यापार संबंध स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी, जिसको आपको मालूम है कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और जो विफल हो गई थी, और द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जिम्मेदारी थी विश्व में शांति बनाने की, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघों को अधिक ठोस प्रयास करने पड़ रहे हैं। आज वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए, दो देशों के बीच में विवाद ना हो, दो देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, इसलिए आज वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत ठोस प्रयास करने पड़ रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा, समान, इन मुद्दों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ। विश्व के रूप में बातें करने लगे लोग, पर्यावरण की रक्षा होना चाहिए, मानव के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, स्त्री पुरुष समान है, प्राकृतिक आपदा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो विश्व लेवल पर बात होने लगी और विश्व लेवल पर इनको सुलझाया जाने लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी देश को खुला कर देना। ठीक है, उस पर कोई बंदिशें नहीं रहेंगी, कोई भी कानून नहीं रहेगा कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। खुलेपन से व्यापार करना, खुलेपन से अपनी सूचनाओं को एक जगह दूसरे जगह पहुंचाना। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं रहेगी, आराम से रहेंगे, कोई नियम कानून नहीं रहेगा दूसरे देशों के लिए कि ये देश यहां पर नहीं आ सकता, वह देश यहां नहीं आ सकता। इस चीज को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण, पूरे देश के लिए वो बाजार उपलब्ध हो जाते हैं। शीत युद्ध के बाद व्यापार और आर्थिक संबंधों में खुलापन आया। शीत युद्ध के बाद व्यापार और आर्थिक संबंध में क्या हो गया, खुलापन आ गया, व्यापार खुले हो गए, सबके लिए खुले हो गए। इससे पूर्व कहे अनुसार पूंजी, श्रम, बाजार और सूचनाओं का विश्व भर में संचार हुआ। पूंजी का भी, श्रम का भी, बाजार का भी, सूचनाओं का पूरे विश्व में क्या होने लगा, प्रसार होने लग गया। विश्व भर के लोग में विचार एवं कल्पनाओं का आदान प्रदान बढ़ने लग गया। जो विश्व भर के लोग थे उनके विचारों, उनकी कल्पनाओं का आदान प्रदान होने लग गया क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश आना जाना उनका शुरू हो चुका था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति से विश्व की घटनाएं, गतिविधियां सुदृढ़ मालूम होने लग गई। जो सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ, जो सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति आई, तो उससे अलग अलग घटनाएं, अलग अलग गतिविधियों की जानकारी जल्द से जल्द मालूम होने लगी। देश की सीमा रेखाओं के पहले जितना महत्व नहीं रहा। पहले क्या होता था, देश की सीमा रेखा बहुत ज्यादा महत्व थी, मतलब लोग हर एक देश क्या करता था, साम्राज्यवाद करता था, दूसरे इलाकों को जीत के उसको अपने देश में मिला लेता था। ठीक है, इसको साम्राज्यवाद। लेकिन आज सीमा रेखा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। आज उनका महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, आर्थिक विकास कैसे हो उनका, उनके देश की तरक्की किस तरह से हो, ये आज उनका मेन मुद्दा है। इन सभी प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण कहा जाता है। लाभ हुए वैसे ही कुछ हानियां भी हुई है। वैश्वीकरण से लाभ तो हुआ लेकिन कुछ हानि हुई, लेकिन हानियां जो हुई थी वो बहुत कम हुई थी। जैसे विविध राष्ट्रों का अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाने से व्यापार बढ़ गया। अलग अलग राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक दूसरे से क्या हो गई, जुड़ गई, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई स्टूडेंट्स, बड़ा हो गया, उनका व्यापार बड़ा हो गया, व्यापार करने लगे, एक देश का पैसा दूसरे देश जाने लगा और देश तरक्की करने लगे। आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा, बाजारों में माल की उपलब्धता बढ़ी, बाजार में माल की उपलब्धता बढ़ गई। जैसे एक देश के पास माल नहीं, वो क्या करता, दूसरे देश को देता था और दूसरे देश से माल अपने देश में लाता था। परंतु इसी के साथ साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी कम नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी जो थी पहले, वो आज भी वैसी बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमने 1945 से वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन किया। सही बात है, इस पाठ हमने क्या पढ़ा, 1945 के बाद वैश्विक गतिविधियां क्या, शीत युद्ध हुआ, फिर शीत युद्ध के परिणाम हुए, ठीक है बात है, उसके बाद गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन हुआ, गुट निरपेक्षतावाद का मूल्यांकन हुआ, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ, सही बात है, सैन्य व्यवस्था बढ़ाई गई, फिर शीत युद्ध का अंत हुआ, फिर शीत युद्ध के बाद विश्व कैसा हुआ, सही बात है, ये सारी चीजों की जानकारी हमने इस अध्याय में पढ़ाई। शीत युद्धकालीन विश्व, उसकी शस्त्र निरस्त्रीकरण का प्रयास समझा।
वैश्वीकरण का अर्थ अध्ययन भी किया। अगले अध्याय में हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। अगला जो पाठ है वह भारत की विदेश नीति, इसके ऊपर है। तो अगले पार्ट में भारत की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतनी हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।